Hello viewers, hello foodies, I heartily welcome you on my YouTube channel Eating Food. So guys, if you haven't subscribed yet, subscribe me for more upcoming videos and for interesting recipes. So guys, I'm back with another paneer special dish for paneer lovers. So chaliye, aaj banate hain Eating Food par paneer makhni. पनीर मक्खनी जो आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही सिंपल है गाइस और बहुत ही जल्दी बन जाएगी। पनीर मक्खनी केवल 15 मिनट में बिल्कुल वैसा ही स्वाद जैसा कि आपको रेस्टोरेंट में मिलता है। जी हाँ, ये जो पनीर मक्खनी है इसकी ग्रेवी है सिल्की स्मूथ, मखमली, फ्लेवरफुल, बटर से भरी। तो चलिए बनाते हैं इट्स बटरी क्रीमी स्मूथ टेक्सचर वाली पनीर मखनी ऑन Eating Food। सो गाइस, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स मेक दिस सुपर हेल्दी सुपर यम्मी पनीर मखनी। तो चलिए, पनीर मखनी बनाने के लिए हमें चाहिए पनीर। तो मैं ले रही हूँ 250 ग्राम पनीर जिसको मैंने काट लिया है क्यूब्स में, और ले रहे हैं ग्रेटेड पनीर करीब 2 चम्मच, और लेंगे टमाटर। यहाँ जो टमाटर मैं ले रही हूँ वो 4 बड़े टमाटर हैं, राइट, बिल्कुल जूसी टमाटर हैं ये। और इसके अलावा जो मसाले मैं ले रही हूँ उसमें मैं ले रही हूँ हरी इलायची 2, इसके अलावा अदरक लहसुन लेंगे, और जावित्री का एक छोटा सा टुकड़ा, शाही ज़ीरा और मेथी यानी कसूरी मेथी। तो चलिए, एक बड़ा चम्मच हम ले लेते हैं मक्खन एक पैन में या बर्तन में। बटर को कर लेते हैं मेल्ट। तो पनीर मखनी है और बटर ना हो, मक्खन ना हो, कैसा हो सकता है। चलिए, जो मक्खन मेल्ट हो गया है इसमें हम डाल देंगे करीब 4 बड़े कटे हुए टमाटर। बस टमाटर डालने के बाद हम यहाँ पर डाल देंगे अदरक और लहसुन के टुकड़े। चॉपिंग में भी इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, और ये जो ग्रेवी है बहुत ही सिंपल है और टेस्टी भी है। तो जावित्री का टुकड़ा डाल देते हैं छोटा सा, और 2 हरी इलायची, इसके अलावा 1 चम्मच शाही ज़ीरा भी डाल देंगे, और डाल देंगे 3 लाल सूखी मिर्च। यहाँ मैं जो 3 लाल सूखी मिर्च ले रही हूँ थोड़ी तीखी वाली है ये मिर्च, आप चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं या कम तीखी वाली मिर्च ले सकते हैं, राइट। तो बस अब क्या करेंगे, हम थोड़ा सा मिक्स कर देंगे और थोड़ा सा डाल देंगे नमक। मैं नमक यहाँ पर ग्रेवी में भी डालूंगी इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा नमक डाला है, और डाल देंगे करीब 1 कप टमाटर। बस अब हमें क्या करना है, इसको अच्छे से बॉयल करना है जब तक ये जो टमाटर है वो गल ना जाए। तो टमाटर गलने तक हम पकाएंगे, आप चाहे तो और ज़्यादा इसको पका सकते हैं। मैं बस टमाटर जब तक बिल्कुल सॉफ्ट ना हो जाए तब तक इसको पका रही हूँ। टमाटर हो गए हैं बिल्कुल सॉफ्ट, और इसके बाद इसको ठंडा कर देंगे। ठंडा करने के बाद हम इसको ले लेंगे एक मिक्सर जार में और कर लेंगे ब्लेंड। आप देख सकते हैं कितनी जल्दी बन जाता है ये ग्रेवी। चलिए, इसको अच्छे से फाइन पेस्ट बना लेते हैं इसका, और आप देख सकते हैं ये बन गया है बढ़िया सा पेस्ट फाइन। और अगर आप चाहते हैं बहुत ही सिल्की स्मूथ टेक्सचर हो तो इस पेस्ट को बनाने के बाद इसको कर लेंगे सीवियर को छानने के। चलिए, अब हम बनाते हैं ग्रेवी। तो ग्रेवी बनाने के लिए हम ले रहे हैं एक पैन में बटर करीब 1 चम्मच, और हमें डाल रही हूँ शाही ज़ीरा। जब शाही ज़ीरा अच्छे से सॉटे होने लगेगा, फ्लटर होने लगेगा, तो यहाँ पर हम डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, से आएगा हमारे पनीर मखनी में बहुत ही खूबसूरत कलर। तो चलिए, डाल देते हैं 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर बस। और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालने के बाद इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स, और इसको बिल्कुल जलाना नहीं है, अच्छे से मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद हम तुरंत डाल देंगे यहाँ पर जो हमने ग्रेवी बनाई थी टमाटर की, जो पेस्ट बनाया था उसको हम डाल देंगे। डालने के पहले ध्यान रखें कि जो आपने ग्रेवी बनाई है उसको अच्छे से छान लें। छानने के बाद ही वो अच्छा सा सिल्की स्मूथ टेक्सचर आएगा आपके पनीर मखनी में। तो चलिए, इसको मैंने यहाँ पर छान लिया है, और छानने के बाद तुरंत हम डाल देंगे ये ग्रेवी घी में या बटर में। तो चलिए, अब क्या करना है, करना है अच्छे से बॉईल। वहाँ पर मैंने ज़्यादा पकाया नहीं था, अब मैं यहाँ पर अच्छे से पका रही हूँ, अच्छे से बॉईल कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इतने अच्छे से बॉईल हो गई है ये ग्रेवी। अब हम डाल देंगे बाकी इंग्रेडिएंट्स। आप देख सकते हैं कितनी इजी रेसिपी है ये, और बहुत ही जल्दी भी बन जाएगी।
और मैं यहाँ पर वाटर बिल्कुल यूज नहीं कर रही हूँ। यहाँ डालेंगे हम एक चम्मच नमक। नमक बिल्कुल ध्यान से डालेंगे कि पहले हम थोड़ा सा नमक डाल चुके हैं। और अब जो कसूरी मेथी होती है डेढ़ चम्मच, उसको तवे पे सेक कर रोस्ट कर ले, और ड्राई रोस्ट करने के बाद उसको हम डाल देंगे इस ग्रेवी में। रोस्ट करने के बाद फ्लेवर और ज्यादा एनहेंस हो जाता है इस ग्रेवी का। तो चलिए थोड़ा सा और कर लेते हैं कुक कुछ मिनट के लिए, जब तक कि थोड़े से बबल्स ना आने लगे। आप देख सकते हैं हल्का सा बॉईल होना स्टार्ट हो गया है, अच्छे से कसूरी मेथी मिक्स हो गई है, उसका फ्लेवर आ गया है ग्रेवी में। और अब डालेंगे एक चम्मच हनी। मैं यहाँ हनी यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो एक चम्मच शक्कर या आधी चम्मच शक्कर भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे फ्लेवर अच्छा आता है। मीठी नहीं होगी सब्जी, यानी पनीर सब्जी मीठी नहीं होगी, पर फ्लेवर अच्छा आता है चीनी डालने के बाद। चलिए अच्छे से मिक्स कर देते हैं शहद को, पूरी ग्रेवी में मिक्स कर देते हैं। और बस अब इसके बाद हम डाल देते हैं ग्रेटेड पनीर। आप चाहें तो ग्रेटेड पनीर ना डालें, ऑप्शनल है, मैं डाल रही हूँ। और क्या है कि ग्रेवी में भी अच्छा खासा पनीर का स्वाद आएगा। वैसे तो पनीर मक्की में नहीं डालते हैं, पर स्वाद बढ़ जाएगा और ज़्यादा। अच्छे से कर लेते हैं मिक्स। बस थोड़ी थोड़ी देर बाद उसको करते जाएंगे और इन्ग्रीडियंट्स बचे हुए हम ऐड करते जाएंगे। तो बस अब यहाँ पर हम डाल रहे हैं पनीर। ये होममेड पनीर है गाइस। तो पनीर के जो क्यूब्स हैं वो मैं डाल देती हूँ इस ग्रेवी में। और पनीर डालने के बाद हम इसको थोड़ा सा कुक करेंगे। आप चाहे तो पनीर को फ्राई कर सकते हैं ऑयल में, या शैलो फ्राई कर सकते हैं, या डीप फ्राई कर सकते हैं, फिर इस पर डाल सकते हैं। बट मैं बहुत ही सिंपल वे में बना रही हूँ, फिर भी ये बहुत ही टेस्टी बनने वाला है। तो चलिए थोड़ी देर से के लिए पनीर को कुक करते हैं इस ग्रेवी में, ताकि जो सारा फ्लेवर्स है ग्रेवी का वो उसमें आ जाए। और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज गरम मसाला एंड पनीर का मसाला। तो मैंने यहाँ पर पनीर का मसाला, गरम मसाला डाल दिया है। घर में आप पनीर का मसाला बना सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है कि कैसे बनाएंगे होममेड पनीर मसाला। तो बस पनीर मसाला और गरम मसाला डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ करीब एक बड़ा चम्मच फ्रेश क्रीम यानी मलाई। आपके पास घर में मलाई हो अवेलेबल तो वो भी आप डाल सकते हैं। मलाई डालने के बाद फ्लेम को थोड़ा सा स्लो कर देंगे, फिर अच्छे से मिक्स कर देंगे। राइट, चलिए मिक्स कर देते हैं क्रीम को अच्छे से। मैं यहाँ बिल्कुल भी पानी यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हमारा लग रहा है पनीर मक्खी। ये जो ग्रेवी है ना बिल्कुल रिच होनी चाहिए, इसलिए इसमें वाटर मैंने बिल्कुल यूज़ नहीं किया है। तो देखिए अच्छे से इसमें फिर से उबाल आ गया है। और मैं यहाँ पर डाल रही हूँ करीब 4 से 5 बड़ा चम्मच दूध, है ना। थोड़ा सा ग्रेवी को थोड़ा सा ज़्यादा गाढ़ा हो गई है, इसलिए मैंने उसमें थोड़ा सा दूध डाल दिया है, पानी नहीं डाला है। दूध से और अच्छा रिच फ्लेवर आएगा। बस तो 2-3 मिनट और हम इसको सिमर कर लेंगे, कुक करेंगे। और थोड़ी देर बाद इसका कलर आप देख सकते हैं कितना प्यारा है। जो कलर है कश्मीरी रेड चिली पाउडर के कारण आया है, और जो हमने ग्रेवी बनाई उसके कारण बहुत ही खूबसूरत कलर उभर कर आया है। बस अब थोड़ी देर और हम इसको कुक करेंगे, ताकि सारे जो फ्लेवर्स हैं वो कंबाइन हो जाए। बस अब कर लेते हैं स्विच ऑफ फ्लेम को, और चलिए ट्रांसफर कर लेते हैं पनीर मक्खी को एक सर्विंग बाउल में। तो ये गर्मा गर्म पनीर मक्खी को हमने ले लिया है एक सर्विंग बाउल में। बस अब क्या करेंगे, बस अब इसको हम गार्निश कर लेंगे क्रीम के साथ। जब भी पनीर की सब्जी बनती है बिना गार्निश के तो अच्छी नहीं लगती है, उसका जो स्वाद है वो दुगना हो जाता है। तो चलिए गार्निश कर लेते हैं इस ज़बरदस्त सुपर हेल्दी सुपर टेस्टी पनीर की पनीर मक्खनी डिश को क्रीम से। आप इसे खा सकते हैं रोटी के साथ, नान के साथ, या राइस के साथ। बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा फ्लेवर आने वाला है इस पनीर मक्खनी में। राइट, तो देर इस बात की ट्राई कीजिए इस पनीर मक्खनी को, घर पर बहुत ही इजी है। तो जब आपका कुछ दिल करे पनीर की स्पेशल कम समय में बन जाती है खाने का, मेहमान आए हुए घर पे और टाइम कम है और पनीर की सब्जी बनानी है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इस पनीर की डिश में आपको। उससे पहले मैं शेयर कर चुकी हूँ पनीर की एक और डिश, तो उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं शेयर कर दूँगी। और आप बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगे। अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, एंड सी यू विद सम मोर इंटरेस्टिंग रेसिपी। सो गाइज डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस। और देखिए ये जो पनीर है ना, इसका जो कितना सॉफ्ट पनीर बनकर आया, आप देख सकते हैं, आपको दिखाती हूँ कितना सॉफ्ट है ये पनीर। सो गाइस एंजॉय दिस पनीर मक्खनी एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।